नालंदा में फोर व्हीलर से लैपटॉप चोरी का वीडियो वायरल। एक ही दिन बिहार और दीपनगर थाना क्षेत्र में हुई चोरी। अगर आप भी अपने फोर व्हीलर वाहन में लैपटॉप आदि सामानों को रखकर सड़क किनारे गाड़ी खड़ा कर खरीदारी करने जाते हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार शरीफ के शहरी इलाकों में इन दिनों गाड़ियों के शीशे तोड़कर सामान की चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। दो अलग अलग थाना क्षेत्र में इस तरह की वारदात हुई है। पहली घटना बिहार थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट ऑफिस के समीप की है, तो वहीं दूसरी घटना दीपनगर थाना क्षेत्र के कारगिल चौक के पास की है। दरअसल बदमाश ने सहायक अभियंता राजेश प्रसाद का लैपटॉप आल्टो गाड़ी का शीशा तोड़कर चोरी कर ली। तो वहीं इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कार्यरत एक कर्मी के बोलोरे के शीशे को तोड़ लैपटॉप समेत अन्य जरूरी कागजातों की भी चोरी कर ली गई। इस मामले में बिहार और दीपनगर थाना में रविवार को मामला दर्ज किया गया है। दीपनगर थाना में घटित हुई इस चोरी की घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है, जिसमें दिख रहा है कि बड़े आराम से बदमाश के द्वारा खड़ी बोलोरो से लैपटॉप का बैग निकाल झोले में रख वहां से पैदल ही निकल जाता है। वहीं बिहार थाना क्षेत्र में घटित घटना की जांच के लिए पुलिस स्मार्ट सिटी के द्वारा लगाए गए सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। इस पूरे मामले में सदर डीएसपी डॉक्टर शिवली निमानी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान में पुलिस जुट गई है। दोनों घटना को अंजाम एक ही तरह से दिया गया है। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।